Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope you all are doing great. Today's concern is The Crucible by Arthur Miller. I want to tell you some very important things about this specific piece of art. The Crucible is 1953 play by Arthur Miller, an American playwright. ठीक है, American playwright हैं Arthur Miller, जिनका ये जो है play है. It is dramatized and partially fictionalized story of a Salem witch trials that took place in Massachusetts Bay Colony during 1692 to 1693. ठीक है, 1692 और 1693 में ये यानी एक समझने बहुत जुल्म हुआ था, यानी जिस तरह काला जादू वगैरह किया जाता है इसके नाम पे. असल में ये एक प्रोपोगंडा था या मोनोपोली खेली जा रही थी लोगों के साथ. ये एक समझने एक बहाना बना के ये सारा खेल रचाया गया, जिसमें करना क्या था, कम्युनिस्ट्स को जो थे वहाँ के उनको ख़त्म करना था. ठीक है, तो इसी को ही आगे मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ. तो ये जो है इसको यानी इस तरीके से ड्रामेटाइज्ड किया गया है कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो कुछ नहीं, तकरीबन आप आधा ही लगा लो, क्योंकि मेन जो कंसर्न है, जो बैकग्राउंड है, वो जो बेस कर रहा है वो उसी स्टोरी पे बेस कर रहा है. तो आप इसको क्या कहोगे, इट्स अ ड्रामेटाइज्ड एंड पार्शनली फिक्शनलाइज्ड स्टोरी ऑफ सलीम विचक्राफ्ट. ठीक है, सालिम या सालिम बोल सकते हो आप इसको. मिलर एक्चुअली रॉट दिस प्ले एज एन एलिगरी फॉर मैकार्थिज्म. अच्छा जी, उसने मिलर ने इसको तशबीह दिया है मैकार्थिज्म से. मैकार्थिज्म है क्या, जॉन मैकार्थी था, डिक्टेटर था अमेरिका में. तो ये जिस तरह नाजीज़म जो है वो हिटलर का यानी है क्लास और उससे रिलेटेड सब कुछ उसका है, जो डिक्टेटर था. मोसोलिनी का जो है वो फैशिज्म है. तो इसी तरह कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म था. कार्ल मार्क्स जो था इसके, अगर आप मैकार्थिज्म जो है वो कम्युनिस्ट के ऑपोजिट है, कार्ल मार्क्स जो है वो उसके हक में है. यानी मार्क्सिज्म जो है वो कम्युनिस्ट को वो करता है, यानी उनका साथ देता है, और जो मैकार्थिज्म है वो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट है. ठीक है, व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटेड पीपल अक्यूज फॉर बीइंग कम्युनिस्ट, यानी जो मैकार्थिज्म से उसने तशबीह दिया है ना, तो जब यूनाइटेड स्टेट्स में इसी तरह का दोबारा से आया जब जॉन मैकार्थी के टाइम पे, तो तब भी उन्होंने कम्युनिस्ट को फजूल बेजा और बेहक जो है कत्लो गारत हुई वहाँ, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी और ब्रुटैलिटी जो थी वो प्रैक्टिस की गई. तो when the play was first performed at the Martin Brick Theatre, Miller felt that this production was so cold and too stylized and the reviews for it were largely hostile, although the New York Times noted a powerful play in a thriving performance. आर्थर मिलर को लगा कि ये जो प्ले है थोड़ा सा फैंसी तौर पर दिखाया जा रहा है. क्यों दिखाया जा रहा था, कि एबिगेल जो थी और प्रॉक्टर, उनकी एज का जो डिफरेंस था वो काफ़ी दिखाया गया. यानी जो प्रॉक्टर था उसकी एज तकरीबन 70 थी, जो कि कम दिखाई गई, और एबिगेल की जो थी यानी 12 से 13 के दरमियान थी, कि जो कि 17 साल की उसको दिखाया गया. तो थोड़े से इस तरह के चेंजिंग हुए थे, मिलर ने किए थे, तो उसको लग रहा था कि शायद ये चेंजिंग करने से, और उसने कोलोक्यूल डिक्शन यूज़ की थी, यानी ज़ुबान तो बड़े अच्छे बयान में उसने ऐसे ही जैसे बातें हो रही होती हैं उसी तरह ही उसने की, आसान ज़ुबान में, लेकिन उसने लैंग्वेज यूज़ की उसी टाइम से रिलेटेड, जो उस टाइम पर ज़ुबान यूज़ की जाती थी, यानी थोड़ा बहुत जो चेंजिंग था वो उसने उस तरह से किया, ताकि आपको ऐसा ही लगे कि आप उसी टाइम में चले गए और उसी तरह से उस चीज़ को देख रहे हो. लेकिन कुछ चेंजिंग उसने ऐसे की अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, जिसकी वजह से उसको लगा कि शायद जो है मेरा प्ले यानी उस चीज़ को परसोनिफाई ना कर सके जो वो करना चाह रहा था. इसके बावजूद तो जो था न्यूयॉर्क टाइम्स में उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया द क्रूसिबल को, और यानी जब सेकेंड टाइम इसको पोर्ट्रे किया गया, प्ले किया गया, तो इट बिकेम क्लासिक. ठीक है, यानी इसको एक ये अपनी इसने कदर पाई. इट इज़ रिगार्डेड एज अ सेंट्रल वर्क इन द कैनन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर.
अमेरिकन लिटरेचर का जो जितना भी आर्ट है, यानी जितनी भी ड्रामास हैं, नॉवेल्स हैं, जितने भी पीस ऑफ आर्ट है, उसमें ये एक सिग्निफिकेंट प्लेस रखता है, ठीक है। मिलर ओरिजिनली कॉल्ड द प्ले दोज फेमिलियर स्पिरिट्स। अब यानी पहले जब इसने नाम रखा उसका तो दोज फेमिलियर स्पिरिट्स रखा, फिर उसके बाद उसने चेंज कर दिया और क्या रख दिया, द क्रूसिबल। यानी अब क्रूसिबल का भी आगे देखो, द वर्ड क्रूसिबल इज डिफाइंड एज अ सिवियर टेस्ट और ट्रायल, अल्टरनेटली अ कंटेनर इन विच मेटल्स एंड अदर सब्सटेंसेस आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर। बड़ा प्यारा इसका उसने, यानी जब दोज फेमिलियर स्पिरिट्स को उसने हटा के, अब दोज फेमिलियर स्पिरिट्स उसने क्यों रखा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जिस टाइम पे यानी जब विश क्राफ्ट जब ये हो रहा था, जब मैसाचुसेट्स में हो, ये इट्स अ टंग ट्विस्टर वर्ड, मैसाचुसेट्स, ठीक है, आप इसको यानी डिवाइड करके 3 से 4 वर्ड्स में तो इसको याद कर सकते हो। अच्छा जी, तो उसने यानी उन स्पिरिट्स को जो ईवल स्पिरिट्स थी, यानी उन लोगों की जो दूसरों की ज़िंदगियों को दाव पे लगा रहे थे, तो उसने कहा कि जो अब जो जुल्म ज़्यादती हो रही है ना मैकार्थिज़्म के थ्रू, वो भी उन्हीं की जैसी ही ईवल स्पिरिट्स हैं। तो फिर उसने द क्रूसिबल रखा, जिसका मतलब है कड़ा हिसाब, यानी ट्रायल, एक बहुत डेडली ट्रायल कह सकते हो, जो कि खून रेजी वाला, ठीक है। तो फिर क्रूसिबल इसका नाम रखा गया। और दूसरी तरफ से अगर हम इसका ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट वर्ड देखते हैं, तो वो ये निकलता है कि एक ऐसा प्याला जिसके अंदर मेटल्स को या दूसरे सब्सटेंसेस को पिघला कर उनको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाए। तो यानी ये वर्ड उसने इसीलिए निकाला ताकि उस टाइम की सख्ती और उसकी जो भी यानी क्रुएलिटी थी और जो जुल्म था, उस चीज़ को जो है अच्छे तरीके से यानी पोर्ट्रे किया जा सके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह अब द क्रूसिबल स्टार्ट कर दिया मैंने, इसके इम्पॉर्टेंट जितने भी करंट नोट्स में क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू एलैबोरेट इन एन ईजीएस्ट मैनर इंशाल्लाह। और इसको, ये जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इट विल हेल्प यू आउट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।